हे गाइस, वेलकम बैक। तो स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होती है कि ज़ेनियर और अयन दोनों साथ में बैठे होते हैं। ज़ेनियर कहती है कि सबसे बेस्ट सर्जन मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ निकाला है, 5 डेज में तुम्हारी सर्जरी है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? लेकिन अयन कोई रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो अपनी ही सोच में डूबा होता है। ज़ेनियर कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? बिल्कुल डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और उसके लिप्स पर किस करती है जिससे अयन शर्मा जाता है। फिर बताते हैं कि अयन असिस्टेंट मो फैंग को आधी रात में मिलने के लिए बुलाता है, उससे पूछता है कि तुमने डोंग फैंग प्रॉपर्टी से मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी अलग कर ली। मो फैंग कहता है कि ऑलमोस्ट डन है, बस 3 से 5 दिन लग जाएंगे, और कुछ इंस्ट्रक्शन है? अयन कहता है कि कुछ नहीं। तो मो फैंग कहता है कि बस इतना सा कहने के लिए मुझे आधी रात में बुलाया? अयन कहता है कि तुम्हें ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा कि मैं आधी रात में वॉल क्लाइंब करके आया हूँ? तो असिस्टेंट मो फैंग हंसने लग जाता है। अयन जब रिटर्न आ रहा होता है, जैसे ही वॉल क्लाइंब करता है, जंप करता है, डॉग उसे देख लेता है और शोर मचाने लग जाता है, जिसकी वजह से वॉचमैन अयन को देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे मॉम ली अयन को ज़ेनियर के सामने कह देती है कि कल रात तुम घर के बाहर गए थे, वॉचमैन बोल रहा था। ज़ेनियर कहती है कि तुम घर के बाहर गए थे? अयन कहता है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस मैं पोटाटो के साथ खेल रहा था। ज़ेनियर कहती है कि अगली बार से तुम कहीं भी जाओ मुझे बता कर जाना। फिर ज़ेनियर उससे पूछती है कि मैं सिटी के बाहर काम से जाने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अयन एकदम से हाँ कह देता है, फिर मन में सोचता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए वरना मुझे मौका नहीं मिलेगा। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। ज़ेनियर कहती है कि क्यों, अभी तो कह रहे थे कि आओगे। तो वो अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि मुझे गेम खेलना है। तो ज़ेनियर स्माइल करती है और कहती है कि अच्छा, तुम गेम खेलो। फिर बताते हैं कि ज़ेनियर अपने असिस्टेंट के साथ सिटी के बाहर मिस्टर मा के साथ मीटिंग करने के बाद कहती है कि बस अब कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना है। तभी वहाँ पर हैंजिन आ जाता है, जिसे देखकर ज़ेनियर कहती है कि हर जगह तुम मेरे पीछे क्यों आ जाते हो, मेरी शादी हो गई है, अब तो मेरा पीछा छोड़ो। हैंजिन कहता है कि तुम जैसे बेशरम औरत का पीछा करेगा भी कौन। ज़ेनियर कहती है कि ये सब बातों से मैं बोर हो गई हूँ। आगे ज़ेनियर कहती है कि तुम्हें तो हैन ग्रुप में होना चाहिए, जहाँ पर लोग होर्डिंग लेकर खड़े हैं। तुम मेरे पार्टनर के साथ क्या कर रहे हो? हैंजिन कहता है कि मिस्टर मा अब तक तुम्हारे पार्टनर नहीं बने हैं, और मिस्टर मा से कहता है कि मैं आपको 20% ज्यादा दूंगा। ज़ेनियर कहती है कि हाँ, 20% ज्यादा दोगे, 20% तुम्हारी सैलरी है, 70% तुम दे नहीं पाओगे। और मिस्टर मा से कहती है कि आप फिर से एक बार सोच लीजिए, मैं अब चलती हूँ। लेकिन मिस्टर मा कहते हैं कि मिस सू, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। और हैंजिन से कहते हैं कि आप फिर कभी वापस आइएगा, और दोनों चले जाते हैं। हैंजिन गुस्से में कहता है कि ज़ेनियर, मैं तुम्हें घुटनों के बल लाकर रहूंगा। अयन के डैड वहां पर साइट देखने आते हैं, तभी वो ज़ेनियर को देखते हैं और कहते हैं कि ये कोई जानी पहचानी सी है। तो उनका असिस्टेंट कहता है कि ये सू ग्रुप की सू ज़ेनियर है। मिस्टर एंड मिसेस सू के एक्सीडेंट के बाद सू ग्रुप पूरा बैंकरप्ट हो गया था, लेकिन सू ज़ेनियर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और अपने कंपनी को आगे ला रही है। लोग कहते हैं कि बहुत ही कैपेबल वूमेन है। अयन के डैड कहते हैं कि हाँ, ये नोनो की फ्रेंड है, लेकिन कितनी भी कैपेबल हो, लेकिन ये डोंग फैंग की वाइफ नहीं बन सकती। ज़ेनियर जब घर आती है तो अयन को आवाज़ देती है, लेकिन अयन उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता, वो गेम खेल रहा होता है। ज़ेनियर मन में सोचती है कि ये फर्स्ट टाइम है मैं घर पर आई हूँ और अयन ने मेरी तरफ देखा भी नहीं है। वो कहती है कि नोनो हमें खाने पर बुला रही है, तुम भी चलोगे साथ में? लेकिन अयन मन में सोचता है कि यही सेम टाइम है जब डैड ने भी मुझे मिलने के लिए बुलाया है। वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मुझे गेम खेलना है। ज़ेनियर कहती है कि बहुत डिलीशियस खाना होगा, तुम पछताओगे। अयन कहता है कि नहीं पछताऊंगा मैं गेम खेलूंगा। ज़ेनियर वहां से उठकर चले जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही अयन रेस्टोरेंट पहुंचता है, उसके डैड तो नहीं होते, वहाँ पर मिस यन होती है। मजबूरी में उसे मिस यन के साथ लंच करना पड़ता है, वो उससे बातें करने के लिए इग्नोर कर रहा होता है। मिस यन समझ भी जाती है कि अयन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके दिल में फीलिंग्स लाना चाहती है। अभी वहाँ पर नोनो और ज़ेनियर आ जाते हैं। नोनो की सबसे पहले नज़र अयन पर पड़ती है, वो ज़ेनियर को उस तरफ देखने से रोक रही होती है, इसलिए वो वेटरेस से कहती है कि कोई विंडो के पास की प्लेस उन्हें दे दे। लेकिन वेट्रेस कहती है कि सब रिजर्व्ड है, बस यही जगह खाली है। तभी ज़ेनियर भी अयन को देख लेती है, वो नोनो से कहती है कि ये अयन है, और मिस यन नोनो और ज़ेनियर को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है। ज़ेनियर टेबल के पास आकर कहती है कि अयन तुम
नोनो कहती है कि स्वीटी प्लीज शांत रहो। जेनियर कहती है तुम्हें पहले से पता था कि अयन डोंगफेंग फैमिली से बिलोंग करता है, तुम दोनों मुझसे झूठ बोलने के लिए आए थे। अयन कहता है कि वाइफ, लेकिन जेनियर कहती है कि चुप रहो, बिना मैरिज सर्टिफिकेट के मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। बीच में ही मिस यन कहती है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, मैं हूँ यन क्वांजी, अयन की फियांसी। ये सुनते ही जेनियर वहां से गुस्से से चले जाती है। अयन उसके पीछे जाता है और नोनो मिस यन को गुस्से से देखकर वो भी वहां से निकल जाती है। सबके जाते ही मिस यन मिस्टर डोंगफेंग यानी अयन के डैड को कॉल लगाती और कहती है कि मैं मिस सू से मिली थी, वो बहुत गुस्सा हो गई और यहाँ से गई है, अयन भी उसके पीछे गया है। और फोन रखते ही कहती है कि मैं यन क्वांजी हूँ, अब तक तुमने मुझे पहचाना ही कहाँ पर है। अयन जेनियर को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वाइफ मेरी बात तो सुनो। जेनियर उसे जोर में थप्पड़ लगाती और कहती है कि वाइफ किसकी वाइफ, तुम्हारी वाइफ यन क्वांजी है। तुम ड्रामा बहुत अच्छे से करते हो, चाहे बेगर हो या पागलपन का हो, प्रिंस तो प्रिंस ही होता है, स्टूपिड तो मैं हो गई। अयन कहता है कि प्लीज मेरी बात को समझो। तभी वहां पर नोनो भी आ जाती है। अयन कहता है कि नोनो तुम जेनियर को समझाओ। जेनियर उसके कुछ कहने के पहले ही कहती है कि कुछ मत कहना, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। फिर से वो जाने लगती है। अयन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जेनियर कहती है कि मुझे छूना भी नहीं और वहां से चले जाती है। अयन नोनो से कहता है कि प्लीज उसके साथ जाओ, उसे समझाओ। नोनो भागते हुए कहती है कि इन दोनों के बीच में तो मैं बुरी तरह से फंस जाती हूँ। जेनियर जब घर आती है तो मॉमली कहती है कि अयन मास्टर साथ में नहीं आए। जेनियर कहती है कि अब से उसका नाम मेरे सामने मत लेना। मॉमली कहती है कि क्यों, क्या हुआ? जेनियर कहती है कि उसे अपनी फैमिली मिल गई है, मैं बहुत थक गई हूँ, जाकर आराम करती हूँ। जैसे ही वो अपने बेडरूम में आती है और लेटती है तो उसे सारी बातें याद आने लगती है। मैरिज वाले दिन की बात, जब अयन ने उससे कहा था कि क्या मुझे रोज स्टीम बन मिलेगा, मैं शादी करूँगा। और फिर जब लियो यांटो ने उससे बदतमीजी की थी तो कैसे अयन ने उसे मारा था, कैसे उसके पेरेंट्स के सामने अयन ने अपना खुद का इंट्रोडक्शन कराया था और पहली बार कैसे उसने उसकी चिट्स पर किस किया था। मॉमली डोर पर नॉक करती और कहती है कि अयन को अंदर ले लो प्लीज, बाहर बारिश हो रही है। जेनियर विंडो के बाहर देखती है तो अयन बारिश में भीग रहा होता है। वो उसे टेक्स्ट मैसेज करती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं अब कभी तुमसे मिलना नहीं चाहूंगी। लेकिन अयन वहीं पर रहता है, अपनी नी पर बैठ जाता है और बस उसके विंडो की तरफ ही देख रहा होता है। तभी नोनो का कॉल आता है। वो कहती है कि आई एम सॉरी, ऐसे नहीं है कि डोंगफेंग की मदद करने के लिए मैंने तुम्हें धोखा दिया है। जेनियर कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। तो नोनो कहती है कि फिर अयन को भी माफ कर दो क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है। बचपन से उसके डैड ने उसे शर्तों पर पाला है और उसके अंकल ने प्रॉपर्टी के लिए हमेशा उसकी जान लेने की कोशिश की है। वो तो उसका नसीब है, वो अब तक जिंदा है, उसे माफ कर दो। जेनियर कहती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, और फोन कट कर देती है। जब सुबह होती है अयन वैसे ही बाहर रुका होता है। आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। तभी जेनियर उसे विंडो से देखती है। जैसे ही वो बाहर भागती है तब तक अयन के डैड के मैन उसे ले जाते हैं। मॉमली कहती है कि रात भर मास्टर अयन बारिश में भीगते रहे, मैंने उन्हें जाने के लिए कहा लेकिन वो गए नहीं, मैंने उन्हें अम्ब्रेला दिया लेकिन उन्होंने लिया नहीं, आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं। लेकिन जेनियर कुछ बताए बगैर वहां से चले जाती है। ऑफिस में बताते हैं कि जेनियर का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि आपके हस्बैंड आए हैं, सिक्योरिटी उन्हें अंदर आने के लिए कह रहे हैं लेकिन मिस्टर अयन कह रहे हैं कि आपके परमिशन के बगैर वो अंदर नहीं आएंगे। जेनियर कहते हैं कि इग्नोर करो, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, आपको उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जेनियर कहती है फिर उन्हें यहाँ से जल्दी जाने के लिए कहो। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट फिर आता है और कहता है कि डोंगफेंग का असिस्टेंट मो फेंग आया है। वो कहता है कि आपके हस्बैंड डोंगफेंग का असिस्टेंट है, वो आपसे मिलना चाहता है। लेकिन जेनियर कहती है कि कह दो, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। जेनियर जैसे ही अपने केबिन से बाहर निकलती है, वर्कर्स कहते हैं क्या डोंगफेंग के फैमिली से आपके हस्बैंड बिलोंग करते हैं, अब तो हमारी कंपनी सेफ हो जाएगी। लेकिन जेनियर कहती है कि हार्ड वर्क करो और वहाँ से चले जाती है। जेनियर का असिस्टेंट उससे पूछता है कि मैम क्या आप ठीक है, लेकिन जेनियर उसका रिप्लाई नहीं देती और उसे शेड्यूल पूछती है। यहाँ बताते हैं कि मो फेंग अयन से कहता है कि अब चलो यहाँ से क्योंकि आपकी वाइफ आपसे नहीं मिलेगी, वो बहुत गुस्सा है। तभी वहाँ पर जेनियर आती है तो अयन उसे वाइफ कहकर पुकारता है। मो फेंग कहता है कि मिस सू
अयन मास्टर को बहुत फीवर है, लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया वो आपसे मिलने के लिए जिद करने लग गए। ज़ेनियर अयन को चेक करती है, उसे फीवर होता है, वो कहती है कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। अयन कहता है कि वाइफ तुम भी मेरे साथ चलो। ज़ेनियर कहती है कि मैं बिजी हूँ। अयन कहता है कि जब तुम फ्री हो जाओगी तब हम हॉस्पिटल चलेंगे। ज़ेनियर कहती है कि बाद में सोचेंगे, अब मैं बिजी हूँ, और वहाँ से चले जाती है। मोफेंग कहता है कि अब तो आपकी वाइफ ने बात कर लिया है, अब तो मेरे साथ चलो, लेकिन अयन का मन नहीं मानता। ज़ेनियर जब कार में होती है तभी मिस्टर डोंगफेंग का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मिस सू, मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? 4 PM को DM होटल में मिलते हैं। हॉस्पिटल में बताते हैं कि अयन को ड्रिप लगाई गई होती है। वो मोफेंग से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का शेड्यूल चेक किया? मोफेंग कहता है कि हाँ, वो 6 PM को फ्री हो जाएगी। अयन वॉच देखता है, वो कहता है कि 6:30 हो रहे हैं, जल्दी से सीधे से सो जाता है और कहता है कि मैं वीक लग रहा हूँ ना। तो मोफेंग कहता है कि हाँ वीक लग रहे हो। अयन कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए तुमसे कुछ नहीं कह रहा। तभी मोफेंग कहता है कि बॉस सब कुछ ख़त्म हो गया। वो कहता है कि क्या हो गया? मोफेंग उसे अपना मोबाइल बताता है, जिसे देखकर अयन गुस्से में मोबाइल फेंक देता है। मोफेंग कहता है कि वो मेरा न्यू मोबाइल था, लेकिन अयन रूम से निकल जाता है। मोफेंग भी उसके पीछे भागता है। रेस्टोरेंट में बताते हैं कि मिस्टर डोंगफेंग ज़ेनियर से कहते हैं कि तुम कुछ खा नहीं रही हो। ज़ेनियर कहती है कि आपको जो पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिस्टर डोंगफेंग कहते हैं कि मैं डायरेक्ट बात करूंगा, फिर अयन और तुम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो, तुम दोनों सेम नहीं हो। ज़ेनियर कहती है कि हमें ऐसे नहीं लगता। तो मिस्टर डोंगफेंग उसे चेक देते और कहते हैं कि इसमें अमाउंट डाल दो जो तुम्हें मन चाहे, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज़ेनियर कहती है कि मैं उसके लिए खुद कैपेबल हूँ। मिस्टर डोंगफेंग कहते हैं कि तुम्हें अयन के मैरिज की इनविटेशन नहीं मिली। फिर सीन चेंज होता है। ज़ेनियर को कार में बताते हैं, जहाँ पर ज़ेनियर अयन के मैरिज इनविटेशन देखती है। उसके बाद वो अयन को टेक्स्ट मैसेज करती है कि लेट्स ब्रेकअप, और इसके बाद तुम मुझे कभी मत मिलना। फिर बताते हैं कि डैड अयन से कहते हैं कि ज़ेनियर ने चेक ले लिया। अयन कहता है कि ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो वैसी टाइप की लड़की नहीं है। डैड कहते हैं कि क्यों नहीं, वो भी तो एक नॉर्मल इंसान है, उसकी भी तो ज़रूरत है। अयन कहता है कि उसकी सारी ज़रूरत मैं पूरी करूँगा और उसके पेरेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगा। डैड कहते हैं कि पता है मुझे तुम्हारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन डोंगफेंग के सामने कुछ भी नहीं, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और जाते हुए कहते हैं कि मैरिज उसी शेड्यूल पर रहेगी। अयन कहता है कि मैं भी आपका बेटा हूँ, आपका पपेट नहीं बन सकता। मोफेंग कहता है कि अब क्या? अयन कहता है कि जब से मुझे ज़ेनियर मिली है मैंने किसी लेडी के बारे में सोचा भी नहीं है।